और आज हम मिल रहे न्यू व्लॉग के साथ, डे थ्री अपना कश्मीर ट्रिप। आज का व्लॉग सुबह स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट डल लेक से। चारों ओर का डल लेक का ये खूबसूरत नज़ारा। अभी 20-25 मिनट की राइड है हमारी। और यार 5-5 मिनट के बाद कभी फ्रूट चाट, कभी कुछ कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको खाने पीने को मिलता रहेगा। और अभी हम बर्फ गिरते हैं ना, इसके ऊपर बर्फ व्हाइट ही व्हाइट होता है। और ये समझे डल लेक है ना, ये डल लेक पूरा जम जाता है दिसंबर जनवरी में। ये इसके ऊपर छोटा क्रिकेट खेलता है, यहाँ माइनी जिगरी होते हैं, यहाँ माइनी चलती है। ऊपर बंदा चल भी सकता है डल लेक के ऊपर, बच्चा क्रिकेट खेलता है। कि जब अगर आप विंटर्स में आओगे, ये जो अभी आप डल लेक इतनी नॉर्मल देख रहे हो, तब ये बिल्कुल सेट हुई होती है स्नो के साथ। और इसके ऊपर आप नॉर्मली चल सकते हो, स्केटिंग कर सकते हो। और भैया कह रहे हैं कि यहाँ पर इवन के बच्चे बैट बॉल खेलते हैं। अगर किसी को हाउस बोट का शौक हो तो घर से पहले बुक करवा कर आए और एक दो दिन हाउस बोट का भी यहाँ पर नज़ारा ले। ये आ गया जी अपना मीना बाजार। ये ऐसा पहला बाजार होगा जो पूरे का पूरा पानी के बीच है, और ये आपको कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको सिर्फ कश्मीर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको ये कश्मीरी शॉल्स वगैरह, सूट्स वगैरह सब कुछ, आगे खाने पीने का सिस्टम, रेस्टोरेंट वगैरह, हर एक चीज ऑल इन वन आपको इस बाजार में मिलने वाली है। और बोट वाले भैया हमारे आगे चले गए, देन अब यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आगे निकलेंगे और देखेंगे अब इसके आगे क्या क्या आएगा। ये देखो हमारे साथी आगे आगे भागते हुए, पहले तो पीछे मिले कोई नहीं। हमारा राइड अपनी होगी खत्म, अब साइड पे शिकारा को पार्क करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से सीधा निकलेंगे, देखते हैं। और डे थ्री सेकंड लोकेशन डल लेक के बाद हमारी सीधा गुलमर्ग, गुलमर्ग की हसीन वादियों के बीच। सबसे पहले गुलमर्ग अभी हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद देन आगे पीछे का नज़ारा देखने जाएंगे। महादेव के दर्शन करके अभी आ गए हम बाहर, अब जाएंगे हम घूमने फिरने आगे पीछे। गुलमर्ग का फुल व्यू, गुलमर्ग के बाद अब हम आए बूटा पथरी। ये भी एक छोटी सी जगह पर खूबसूरत जगह की कुछ आगे पीछे का इसी तरह का व्यू है। ये थी बूटा पथरी। अब बूटा पथरी के बाद देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन क्या होने वाली है, और वो वहीं जाकर ब्लॉग बनेगा अपना। बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं। कश्मीर की इन हसीन वादियों में यहाँ पर अपना खुद का खाना बनाना और खाना एक अलग ही मजा है। खुद बना के खाने में इन पहाड़ियों के बीच कितना मजा है। यहाँ खाना बना के खा के फिर सीधा अभी नेक्स्ट स्टेशन देखते हैं अब कहाँ करेंगे। काफी जगह है घूमने के बाद। गुलमर्ग की लास्ट जगह जहाँ पर अभी मैं आया हूँ घूमने, ये पीछे महाराजा का पैलेस है, बहुत पुराना पैलेस है। यहाँ अंदर जाकर देखते हैं क्या क्या कुछ देखने को भी मिलता है हमें। ये देख सकते हो महाराजा के टाइम के बनी हुई, जहाँ पर ये आग वगैरह जलाते थे उस टाइम पे सर्दियों में। और यहाँ पर कुछ पुरानी चीजें उस टाइम जो राजे महाराजों के टाइम की, ये देख सकते हो उस टाइम की तलवारें अभी तक यहाँ पर रखी हैं। सर यहाँ पे बीग माउंटेन, रास्ते बने पर रास्ते लेते तो ये शॉर्ट फाइट्स के लिए यहाँ पे ये पुराने टाइम की गन्स जो यूज की जाती थी उस टाइम। ये एक थोड़ी सी अलग जगह मेरे को मिली है जो कि अंडरग्राउंड है। क्या हो सकता है यहाँ पर, ये उस टाइम की काल कोठड़ियां हैं कि या फिर ऐसे ही उनका रहने का सिस्टम था अंडरग्राउंड, या बंकर्स टाइप कुछ हो सकता है उस टाइम में उन्होंने ये बनाया हो। बहुत बड़ा पैलेस है ये हमारे जम्मू के महाराजा हरि सिंह जी का, देख सकते हो उस टाइम का कितना लग्जरियस उस टाइम का ये बेड यहाँ पर उन्होंने जो डिजाइन किया होगा। ये रानी का बेड है उस टाइम का, महाराजा की जो भी रानी थी। और यहाँ पर भी आग जलाने का सिस्टम, और ये एक साथ में और उनका रेस्ट रूम। तो जस्ट अभी हम पहुंच गए अपने होटल में, और आज का दिन कुछ इसी तरह से रहा। सुबह डल लेक घूमे, फिर गुलमर्ग गए, गुलमर्ग में महादेव के दर्शन किए, फिर आगे पीछे का खूबसूरत नज़ारा एंजॉय किया, और देन अभी शाम को आ गए हम अपने होटल। और कल डे फोर अब देखते हैं कैसा जाता है। आज का ब्लॉग फिलहाल इतना ही था, सो कल का दिन देखते हैं। गुड बाय।